वेलकम बैक टू माय चैनल माय किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिल्क पाउडर और बेसन की बर्फी। इसको घर पर ही बहुत आसान तरीके से बनाया जाता है और यह मिठाई घर वाली चीज़ों से ही बनकर तैयार हो जाती है। इसको बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है और उसमें एक कटोरी मिल्क पाउडर डाला है। पहले हम मिल्क पाउडर का घोल बना लेंगे। अगर हम मिल्क पाउडर को डायरेक्ट बेसन में डालेंगे तो इसमें गांठें बन जाती हैं और उनको मैश करना बहुत मुश्किल होता है। मीठे के लिए 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करने के लिए बाउल छोटा पड़ गया था, इसलिए मैं सभी चीज़ों को बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी मलाई, यह घर वाली मलाई है और फ्रेश मलाई का ही इस्तेमाल करना है। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो मिल्क पाउडर है उसकी गांठें मैश कर देना है, लंग्स नहीं रहने देना है बिल्कुल भी। त्योहारों का सीज़न आ गया है और त्यौहार में तो मिठाई होनी चाहिए, तो बाज़ार से ख़रीदने की बजाय आप घर में ही मिठाई बना सकते हैं। और अब हम अच्छे से मिक्स करने के लिए थोड़ा थोड़ा दूध मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। दूध को पहले थोड़ा ही डालना है और थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करना है। हमने ज़्यादा पतला घोल भी नहीं बनाना है क्योंकि हम सिर्फ मिल्क पाउडर को मिक्स कर रहे हैं, तो गाढ़ा गाढ़ा घोल ही चाहिए। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट, ये काजू और किशमिश डाले हैं मैंने, इनको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। आप चाहें तो कुछ और ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। और सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद उसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और यहाँ पर घोल बनकर तैयार है। अब चलिए अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। बेसन की बर्फी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और यह नॉनस्टिक कढ़ाई है और 1 कटोरी मैंने देसी घी लिया है। पहले आधा घी डालेंगे और 1 कटोरी बेसन की डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे घी में। घी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और बेसन को घी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्के हल्के हाथ से पकाएंगे और फ्लेम को स्लो रखेंगे। अगर हम हाई फ्लेम रखेंगे तो बेसन जल जाएगा और वो टेस्ट नहीं आएगा। और जो घी बचा था उसको भी अब हम डाल देंगे। यहाँ पर इतना घी डालना है जिससे बेसन अच्छे से पक जाए, बिल्कुल सूखा सूखा भी नहीं होना चाहिए। अगर बेसन को सूखा सूखा रखेंगे तो जब हम बर्फ़ी जमाएंगे तो वो जमेगी नहीं। आप इसको तो वैसे ही खा सकते हैं बिना जमाए, वैसे टेस्ट वही आएगा, लेकिन यहाँ पर हम बर्फ़ी जमाएंगे तो हमें थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो और बेल को प्रेस करना ना भूलें। बेल को प्रेस करने से मेरी नई नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएंगी। और अब हमने जो मीठा घोल बना कर रखा था मिल्क पाउडर मलाई और चीनी से, उसको डाल दिया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि इसमें मलाई में भी घी होता है, फैट होता है, तो अब ये अच्छे से पक जाएगा। अब हमें और घी डालने की ज़रूरत नहीं है। धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे बेसन को और ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया है और सौंधी सौंधी खुशबू भी आ रही है। जब महक आने लगे तो समझो बेसन पक गया है और जो हमने मिल्क पाउडर डाला था उसका भी दाना दाना हो गया है, बिल्कुल मिल्क केक जैसा टेस्ट आएगा। अगर हम घर पर बर्फ़ी बनाएंगे तो यह बहुत टेस्टी होती हैं और सभी चीज़ें प्योर होती हैं। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं, हटा देना। अकेले बेसन से भी स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार होती है। बेसन को अच्छे से भून लिया है, अब हम इसको पहले ठंडा करेंगे और फिर मीठा डालेंगे। और ठंडा होने के बाद 1/2 कटोरी देसी खांड डाली है। यहाँ पर हम देसी खांड का इस्तेमाल कर रहे हैं
अगर आपको चीनी डालनी है तो आपको चीनी डाल के पकाना पड़ेगा बेसन को। बेसन को बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्का हल्का गर्म बेसन रखना है। अगर हम ज़्यादा ठंडे में मिलाएंगे तो खांड का दाना है पिघलेगा नहीं, और हल्के गर्म में डालेंगे तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी देसी खांड, और बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। मीठा यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर देसी खांड नहीं है तो पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हो। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये देखिए सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, घर पर मिठाई बनाएं। घर पर भी मिठाइयों को आसानी से बनाया जाता है। इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं होता, हमें वैसे लगता है कि हम नहीं बना सकते, अगर हम कोशिश करें तो हमें घर पर भी बहुत अच्छी मिठाई बना सकते हैं। मैंने पहले भी मलाई से मिल्क केक बनाने की रेसिपी चैनल पर डाली हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम मलाई से घी भी निकाल सकते हैं और साथ में बर्फ़ी भी बना सकते हैं। मलाई से दो चीज़ बनकर तैयार होती है, आप ज़रूर देखें मेरे चैनल पर जाकर। और यहाँ पर मैंने एक ट्रे ली है और एक प्लास्टिक का पेपर लिया है, इसको पेपर को मिठाई में ही इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो सिल्वर फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इसको घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो चिपके ना, और जो बेसन का बैटर बनाकर तैयार किया था ट्रे में डाल देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे चारों तरफ से। बैटर को सेट करने के बाद या तो आप 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, या आप ओवरनाइट के लिए बाहर रख देना, जिससे अच्छे से जम जाएगा। और ये देखिए 2 घंटे के बाद हमारा बैटर अच्छे से जम कर तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर एक प्लेट रखूँगी और पलट देंगे, और ये देखिए अच्छे से उतर गया है प्लेट पर, और जो हमने प्लास्टिक का पेपर लिया था उसको उतार दिया है, और कितनी आसानी से उतर गया है। अब फिर दोबारा से पलट देना है ट्रे में, और बड़ी आसानी से पलट गया है। अब हम इसको बर्फ़ी की शेप में कट कर लेंगे, आप अपने हिसाब से भी कट कर सकते हैं जिस तरह की शेप देना चाहें। मैं यहाँ पर थोड़ी बड़ी शेप दूंगी, 3 भाग में कट कर लेंगे लंबाई में। आप भी बर्फ़ी बनाइए, खाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।